नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। अब एक साल होने वाले हैं जब प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर के श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन किया था। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज आपके लिए पहली एक्सक्लूसिव खबर उसी राम मंदिर को लेकर है। 9 नवंबर 2019 की तारीख आप सबको याद होगी, जब राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। 5 अगस्त 2020 यानी कि ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था और इसी के साथ राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया। भूमि पूजन को अब एक साल पूरा होने वाला है। धाकड़ एक्सक्लूसिव में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे इस एक साल में राम मंदिर पर काम हुआ, कितना काम हुआ, क्या क्या काम हुआ। राम मंदिर के एक मॉडल के जरिए हम आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीर। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से 3 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया गया है। पिछले एक साल में इस पूरी जमीन पर काफी फिलिंग की गई है, पूरा इसकी साइंटिफिक स्टडी की गई है। उसके सारी डिटेल्स बताने से पहले आपको दिखा दें कि कैसा लगेगा राम मंदिर। ऐसा होगा उसका शिखर, ये सारे पिलर्स होंगे और ठीक जो तीन तल हैं इस मंदिर में, उसमें पहले तल पर रामलला की मूर्ति विराजमान होगी। ठीक बीच में पहले तल में रामलला की मूर्ति विराजमान होगी और इस तरीके से साइंटिफिक स्टडी की जा रही है कि जिस दिन रामनवमी होगी उस दिन रामलला पर आकर के सूरज की किरण गिरेगी। यही सबसे खास बात है कि रामनवमी के दिन उगते सूर्य की पहली किरण श्री राम की इस प्रतिमा पर पड़ेगी। इसके लिए बकायदा एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी यानी कि खगोलीय अध्ययन भी किया गया है। 67 एकड़ के राम मंदिर परिसर में भक्तों की परिक्रमा के लिए एक ट्रैक बनाया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि एक दिन में, जिस दिन रामनवमी होगी, इस तरीके से सूर्य की पहली किरण सीधे रामलला की मूर्ति के ऊपर गिरेगी। रामनवमी के दिन उस दिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा राम भक्त दर्शन करने के लिए अयोध्या में पहुंचेंगे। इसीलिए जो 67 एकड़ का ये पूरा परिसर है उसमें ट्रैक बनाया जाएगा। अमूमन आपने देखा होगा कि अगर आप दर्शन के लिए पहुंचते हैं, भले से ही वो वैष्णो देवी हो या फिर आप अमरनाथ में हो, तो बहुत ज़्यादा वक्त आप जो भगवान हैं उनकी मूर्ति के सामने नहीं बिता पाते हैं। पर यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि हर भक्त को कम से कम कुछ मिनटों का रामलला का दर्शन मिल पाए और इसी के लिए ये परिक्रमा पथ 67 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। ये वाकई देखने वाला दृश्य होगा जब श्री राम की प्रतिमा पर रामनवमी के दिन सूरज की वो पहली किरण पड़ेगी। पर सिर्फ मंदिर अकेला ही नहीं, अब आपको दिखाते हैं एक और ग्राफिक जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि जब आप रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सिर्फ रामलला कहीं नहीं पर पूरी अयोध्या की जो संस्कृति है, जो इसका इतिहास है, उस सब को जानने के लिए आपके पास मौका होगा। संग्रहालय निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसके साथ ही एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। दुनिया भर से रामायण के सभी संस्करण इकट्ठा किए जाएंगे। जी हाँ, कई बार आपने सुना होगा कि कई ऐसे देश हैं जहां पर भी रामायण के प्रतियां छापी गई हैं, उनके कई संस्करण वहां पर हैं, तो दुनिया भर से वो संस्करण इकट्ठा करके इस संग्रहालय में लाए जाएंगे। मंदिर का इतिहास, पांडुलिपियां, कानूनी दस्तावेज सब राम मंदिर के इस आधुनिक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में रखे जाएंगे। आइए एक नजर कि 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होने के बाद राम मंदिर में आखिर क्या क्या हुआ। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। अक्टूबर 2020 में तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर परिसर में रखने का काम शुरू हुआ। 15 मार्च अक्टूबर 2020 में पत्थर जो है कार्यशाला में थे। आपको याद होगा कि कम से कम 2 दशकों से ये काम जारी था। जो भी अयोध्या जाता था, एक विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला थी। राम मंदिर का मामला कोर्ट में था पर कार्यशाला में काम चलता रहा। पिछले 2 दशकों से कई सारे ऐसे पत्थर थे जिनको राजस्थान से लाया गया और लगातार उनको तराशने का काम जारी था और सब पत्थर एक एक करके सारे जितने भी जैसे जैसे पिलर्स बनते गए उन सबको एक के ऊपर एक कार्यशाला में रखा गया। जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया उन सबको दोबारा पॉलिश करके तैयार कर दिया गया और अक्टूबर में उनको जहां पर भूमि पूजन हुआ था उस क्षेत्र में लाने का काम शुरू कर दिया गया। फिर 15 मार्च
इस साल 15 मार्च से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का काम शुरू हो गया। अब इस नींव की भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1,20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में 4 परत एक के ऊपर एक बिछाई गई। 40 से 45 ऐसी परत बिछाई जाएंगी। 1 फीट मोटी परत बिछाकर रोलर से उसे कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ऐसी 4 परतें होंगी। मंदिर के निर्माण का काम तय योजना के तहत हो रहा है। इसके अलावा कुबेर टीला, सीताकुंड, इन सब के निर्माण की भी योजना है, सरकार का अनुमान है। और आप सबके जहन में यही बात होगी कि हम कब तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे। 2023 ये वो साल है जब आप जाकर रामलला के दर्शन ले सकेंगे। अयोध्या में पूरा राम मंदिर परिसर बनने में थोड़ा वक्त और लगेगा, यानी कि करीब 4 साल और लगेंगे। 2025 तक ये पूरा काम हो जाएगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। और ये सारे डिटेल्स एक्सक्लूसिवली एक साल, भूमि पूजन से 1 साल पूरा होने से पहले यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर। मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, थोड़े वक्त में आमिर हक भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे सीधे अयोध्या से। मेघा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ये सारे हमें डिटेल्स दिए, कुछ तस्वीरें अगर आपने देखी हो, कैसा दिख रहा है इस वक्त जो जहां पर भूमि पूजन हुआ था वो पूरा मंदिर परिसर, इस वक्त कितना काम हुआ है, कैसा दिख रहा है? वो तस्वीरें इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ, माफी चाहती हूँ कि वक्त नहीं मिला वो तस्वीरों को ऑफिस में सही तरीके से भेजने के लिए, पर कुछ ही मिनटों में वो तस्वीरें होंगी आपके पास। कई तस्वीरें जो शेयर की गई हैं ट्रस्ट के द्वारा, और वो तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से काम वहां पर चल रहा है। प्रॉब्लम एक हुई है ऐसी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पद्मजा, और ये हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए जिनकी आस्था है भगवान राम में, कि उस मंदिर के जगह पर एग्जैक्टली ट्रस्ट को जब काम शुरू हुआ तो क्या मिला। वो एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है पद्मजा, जहां पर मंदिर अब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी आप एक तरीके से कहें कि बहुत लंबी हिस्ट्री रही है उस जगह की। कई मंदिर उस जगह में थे जो टूट गए, जो मिट्टी में मिल गए, जो जमीन के भूतल के नीचे है, एक्सकवेशन में मिले हैं। इसलिए प्रॉब्लम कहाँ आई, सबसे शुरू जब काम वहां पे हुआ ये हमें बताया गया आज, कि इतनी डेबरी है उस जगह में। डेबरी किस चीज की, जो पुराने वहां इमारतें थी उसकी इतनी डेबरी है कि सॉयल वहां बहुत अनस्टेबल है, और अनस्टेबल सॉयल होने की वजह से ये समय ज्यादा लग गया सरकार को काम करने में, क्योंकि उन्हें सॉयल टेस्टिंग और वहां की रिपोर्ट्स निकलवानी पड़ी ये पता करने के लिए कि किस जगह पर एग्जैक्ट स्टेबल कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और इस चक्कर में इन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया, ट्रस्ट के लोगों ने और एक्सपर्ट्स और जितने साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, कई तरीके के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम अब ये सॉयल टेस्टिंग का काम नहीं करेंगे, हम पूरा ही पूरा एक्सकवेट कर देंगे। इसलिए एक्सकवेशन बहुत डीप तक हुई है पद्मजा, उस जगह पे बहुत डीप एक्सकवेशन हुई है। ये पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप सारी जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह काम करते हुए देख रहे हैं, एक्सकवेशन हुई है। अब एक्सकवेशन को फिल किया जाएगा, वहां पाइल्स के स्ट्रक्चर को लगाया जाएगा, फिर उसके ऊपर 7 फीट की राफ्ट होगी, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनेगा, समय लगेगा। बट एक बहुत अच्छी खबर जो है दर्शकों के लिए, and for everybody who wants to go there and visit and you know worship Lord Ram, is that by 2023, December 2023 में ये आपको आश्वासन दिया गया है ट्रस्ट के द्वारा। आज पहली बार ये बात उन लोगों ने हमारे सामने कही कि दिसंबर 2023 में जिनको भी भगवान राम के दर्शन करने हैं इस नए मंदिर में, राम लल्ला जो वहां स्थापित किए जाएंगे, उनका साथ आप साक्षात दर्शन कर सकते हो। वो रहेंगे आपके सामने, गर्भगृह के सामने आप खड़े होकर हाथ जरूर जोड़ सकते हैं। बाय दिसंबर 2023 अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको दर्शन मिलने का योग हो रहा है, आप वहां दिसंबर 2023 का आप प्लान कर सकते हैं कि आप नए मंदिर में गर्भगृह के सामने खड़े होकर हाथ जरूर जोड़ पाएंगे। बट बहुत अजीब अजीब सी बातें आई है पद्मजा, ऐसा कहा जा रहा है कि रामनवमी के दिन 5 से 10 लाख लोग उस मंदिर परिसर में हो सकते हैं। इसलिए इनके पास अरेंजमेंट अभी ऐसी करनी पड़ेगी कि एक एक व्यक्ति को कम से कम 1 सेकंड का वक्त मिले, वो भी मैथमेटिक्स के हिसाब से 1 सेकंड का वक्त नहीं मिलेगा गर्भगृह के सामने। तो ऐसे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि कुछ समय तो आपको गर्भगृह के सामने खड़े होकर मिले,
ऑन पीक डेज, नॉट ऑन नॉर्मल डेज, ऑन पीक डेज, जिस दिन रामनवमी है या फिर पूजा का दिन है, ये सारे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। और आप जो सूर्य किरण की बात कह रही हैं, वो सूर्य किरण में एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पर, सूर्य किरण इज अबाउट, इट्स अराउंड नून। व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड इज दैट 12 बजे के आसपास ऐसी अरेंजमेंट की जा रही है कि रामनवमी वाले दिन 12 बजे के पास वो सूर्य किरण सीधा रामलला के आइडल पर पड़े और लोग वहां हाथ जोड़ सके। तो ये कई, जैसे कोणार्क मंदिर में है, कई और भी मंदिरों में ये है, तो इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी अभी कराई जा रही है और भी कई स्टडीज कराई जा रही हैं। इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और एक्सपर्ट्स को जोड़ा गया है यहाँ से, हर चीज प्रिसिशन के साथ हो रही है। 2025 मुझे लगता है ये भव्य राम मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एंड फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू गो देयर, you know, fold their hands before Ram Lala, they can do it by 2025. It's going to take some time, Padmaja. जी, बहुत ही दिलचस्प जानकारी और पहली तस्वीरें भी आप यही देखेंगे टाइम्स नाउ नव भारत पे। सारी जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए मेघा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब आपके लिए दूसरी खबर। ये तस्वीर दर्दनाक है, लेकिन हमारी अगली खबर को समझने और जानने के लिए इसे देखना भी उतना ही जरूरी है। यह तस्वीर 10 जून 2021 की है, जब मुंबई में मलाड वेस्ट के मालवाणी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में दबकर 12 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। उस परिवार के दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए जिस परिवार के 9 लोग मलबे में दबकर मर गए। इमारत गिरने के बाद मुंबई की सरकारी मशीनरी, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ ने 17 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाल तो लिया, कुछ एफआईआर भी हुई। बीएमसी और मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की रस्म भी निभाई। सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता की हद देखिए कि कुछ ही दिनों में 12 लोगों की मौत को यादों से डिलीट कर दिया गया। मुंबई फिर अपनी रफ्तार से निकल पड़ी, फिर अवैध इमारतों का काम शुरू हो गया। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत ने ये संकल्प लिया कि मौत बांटने वाले इस मलबे की तह तक वो जाएगा। टाइम्स ऑफ भारत की टीम ने अवैध निर्माण के इस नेक्सस की पूरी पड़ताल की, भ्रष्टाचार की हर कड़ी को कैमरे में रिकॉर्ड किया। आप पहले देखिए राकेश त्रिवेदी की ये धाकड़ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई में अवैध बिल्डिंग निर्माण के खुलासे को आपके सामने लाने के लिए हमने अवैध निर्माण करने वाले कई किरदारों से छिपे हुए कैमरे पर बात की। भ्रष्टाचार की इस कहानी के किरदारों को पहले आप जान लीजिए। पहला चेहरा है हीरान, जो मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा है नदीम सिद्दीकी, ये भी कॉन्ट्रैक्टर है। तीसरा है विकास पाटिल, ये बीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर इमारतें बनाता है। चौथा चेहरा मुंबई का ही एक स्टेट एजेंट प्रशांत का। पांचवा रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के मुखादम जगन्नाथ कामले का। छठा चेहरा है विकास येले का, जो बीएमसी में सब इंजीनियर है। सातवां चेहरा बीएमसी के जूनियर इंजीनियर मनीष टाके का। भ्रष्टाचार के इन खिलाड़ियों ने मुंबई में चल रहे जानलेवा खेल का खुलासा छिपे कैमरे पर कर दिया। सबसे पहले हीरा अन्ना को सुनिए, जो मुंबई के वर्सोवा में कॉन्ट्रैक्टर। और अपने को कंस्ट्रक्शन में कितना जाएगा अगर ये 5,000 square feet पे, उसका आधा छोड़ दो, आधा तो बना के देना नहीं है ना, बना के देना है तो पूरा बताओ, पूरा आपको बना के देना पड़ेगा। 5,000 square feet का पांच वाला, अभी पांच वाले तक 1600-1700 rupees था बीएमसी पूरा सेटिंग के लिए। सर एक बार बिना इसका सेटिंग का तो बताओ, पहले बिना सेटिंग का वही 1300 rupees। 1300 rupees तो आपका 25,000 तक गया ना, ठीक है। और सेटिंग आप ही देखेंगे सब 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 बाद में हमको नहीं नहीं आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं, पूरा एक्सोजेट कलेक्टर वगैरह तो सब हम लोग करेंगे। अभी तो आजकल फायर ब्रिगेड का भी करना पड़ता है, सब हम लोग ही कर रहे हैं। जो यहाँ पे कुछ नहीं, फायर ब्रिगेड करना पड़ता है नहीं, यहाँ खाली बीएमसी और पुलिस इधर नहीं फॉर करते होता है, जो लीगल में रहता है उन लोग इधर। हाँ तो खाली बीएमसी और कलेक्टर आता है, कलेक्टर और मुंबई के लोगों की जान लेने में ये सभी शामिल हैं, एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, कलेक्टर, बीएमसी, फायर ब्रिगेड, नगर सेवक और मुंबई पुलिस। अवैध निर्माण के जानलेवा खेल के खिलाड़ी यही लोग हैं। हमने हमारी जांच को सिर्फ मालवणी इलाके तक सीमित नहीं रखा, शहर के दूसरे इलाकों में
कलेक्टर्स लैंड या सरकारी जमीन को लेकर हमारी जांच हमें मुंबई के वर्सोवा इलाके तक ले आई और समंदर से ठीक सटी हुई इस जमीन को लेकर के हमारी तहकीकात में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब इनसे मिलिए, इनका नाम है नदीम सिद्दीकी। ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, मुंबई में कई इमारतें बना चुके हैं। गया तो उसका दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया। सुनिए छिपे कैमरे का सच और खुले कैमरे का झूठ। बाकी वार्ड वालों को एडवांस भी दे देने का? अभी उन्होंने ऐसा किया कि भाई जो भी है वो आप दे दो, पहला दो तीन एक्शन के लिए तैयार हो, स्ट्रक्चर आपका जो है वो तैयार। अभी मैंने चार माला बनाया था, अभी मालूमी का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ऐसा हुआ है कि उसके बाद ही हुआ ये? उसके पहले तो टेंशन नहीं था मामू, कितना भी ठोको अपन बिल्डिंग, चार माला बनाओ पाँच माला बनाओ कोई से मतलब नहीं था। लमसम अमाउंट लोग बोलते थे 60 से 70 लाख एरिया के हिसाब से, उतना उनका रहता था। कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन आप करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर? नहीं, ये गलत बातें हैं आप लोगों की। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे मोटे बिल्डर भी हैं। वेट लैंड आप जो बोलते हो उस पर तो कंस्ट्रक्शन तो होता ही नहीं, पहली बात तो वो गैरकानूनी है। अब गैरकानूनी लैंड है उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल ही नहीं है, ना हम उस पर करते हैं। सच वही है जो नदीम ने छिपे कैमरे पर कहा, खुले कैमरे वाली बात सफेद झूठ है। सच ये कि मुंबई के वेट लैंड में कंस्ट्रक्शन का गैर कानूनी काम खुलेआम चल रहा है। वैसे तो अवैध इमारतों को लेकर के लाखों मामले अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ अवैध इमारतों का नहीं, ये मामला सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे कमजोर अवैध इमारतों का है जो किसी भी समय मलबे में तब्दील हो सकती हैं। और मलबे में होने वाली इन मौतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो ये वो सड़ा गला सिस्टम जिसको लेकर मिशन क्लीनअप चलाने की सख्त जरूरत है। मुंबई में भ्रष्टाचार के इस खेल में नदीम सिद्दीकी अकेला नहीं, पूरी टीम है जो मिलकर लोगों की जान से खिलवाड़ करती है। विकास पाटिल भी उसी में से एक है जो बीएमसी का मेन कॉन्ट्रैक्टर है। विकास ने छिपे कैमरे पर बताया कि एक अवैध निर्माण के लिए किसको कितना पैसा देना होता है और कैसे, ये सब पहले से तय होता है। उनको कल एक नगर से उनको कॉपरेट करना पड़ेगा। अच्छा। और एक अपना वर्षा पोजिशन सीनियर लोग का है। ओके। और एक बिल्डिंग का इंतजाम कर लेते हैं। ये कैसा वन टाइम है? नहीं, अपन काम चल करके बोले भाई थोड़ा सा काम किसी से ऊपर वन टाइम के बाद आप आधा देने का या अपना दो बिल्डिंग का जो है। विकास पाटिल के मुताबिक अवैध निर्माण के लिए नगर सेवक को विश्वास में लेना होता है, पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए देने होते हैं, यहाँ तक कि हवलदार को भी पैसे देने पड़ते हैं। और तो और कलेक्टर तो एक अवैध इमारत के लिए 2 लाख रुपए तक लेता है। छिपे कैमरे पर आपने कॉन्ट्रैक्टर विकास पाटिल का कॉन्फिडेंस देख लिया, वो कह रहा है कि मेरा नाम बताओ और अवैध निर्माण कराते जाओ। लेकिन छिपे कैमरे पर किया गया सवाल जब विकास से खुले कैमरे पर किया गया तो विकास पाटिल सारे खेल से अनजान बन गया। मुंबई के वेटलैंड में निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध है, इसके बावजूद ये काम खुलेआम हो रहा है, किसी को भी बीएमसी का डर नहीं। ये प्रशांत है जो एक स्टेट एजेंट है। प्रशांत ने बीएमसी का सच बता दिया। लेकिन वो परेशान नहीं करते क्या आके फिर बाद में ये बीएमसी और ये सब लोग आके? तो परेशान कौन करता है फिर, मतलब आके कौन? अच्छा, बीएमसी का टेंशन आती नहीं, बीएमसी थोड़ा आया तो संभाल सकते हैं। कौन? अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है जिससे बनाया उसे संभाल। मुंबई में बीएमसी सेलेक्टिव लोगों पर कार्रवाई करती है, सेटिंग हो जाने के बाद बीएमसी की आंखें बंद हो जाती हैं। राकेश त्रिवेदी, संवाददाता, टाइम्स नाउ, नवभारत।
मुंबई के वेटलैंड में अवैध निर्माण पैसों के दम पर लगातार चल रहा है। पहली रिपोर्ट देखकर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे। भ्रष्टाचार के इस खेल में मुंबई के कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं। अवैध निर्माण में कॉन्ट्रैक्टर तो हैं ही, लेकिन बीएमसी का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरे महकमे में हर किसी का रेट पहले से ही तय है। कलेक्टर से लेकर कॉन्ट्रैक्टर तक हर कोई पैसा लेकर मुंबई के वेटलैंड में अवैध निर्माण करा रहा है। वेटलैंड में अवैध निर्माण पर एक और रिपोर्ट आप देखिए, जो ये खुलासा कर रही है कि बीएमसी के अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार के इस दलदल में फंसे हुए हैं। स्टेट एजेंट प्रशांत ने बीएमसी का नाम लिया तो बीएमसी के अधिकारियों को भी सुन लीजिए। सबसे पहले सुनिए जगन्नाथ कामले को, जो रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में मुकादम। जगन्नाथ कामले का कहना है कि वो साइट पर आएगा तो हर काम हो जाएगा, कोई सीनियर भी फिर सवाल नहीं उठाएगा। यानी जगन्नाथ कामले भ्रष्टाचार करने के साथ साथ उससे बचाने की गारंटी भी दे रहा है। करप्शन में लिप्त बीएमसी के दो और किरदारों से आपको मिलवाते हैं, विलास येले जो बीएमसी में सब इंजीनियर हैं और मनीष टाके जो जूनियर इंजीनियर हैं। जगन्नाथ कामले ने कॉन्ट्रैक्टर बने हमारे संवाददाता को इनके पास काम के लिए भेजा। मिलने वाला था कि जब एक काम करो, मैं जो आदमी देता हूँ उससे ही बात करो, बाकी उससे मत करो, बीच में किसी को डालो मत, मैं किसी को पहचानता नहीं। तुम्हें फोन भी आया था शायद विकास पाटिल का, विकास पाटिल से मेरी आज मीटिंग होने वाली है, अभी तक उसी से बात करो। लेकिन मेरे को कामले सर बोल रहे थे कि वही हमारा है, हम नहीं जाते गाँव में, लेकिन उसे थ्रू करते लेता नहीं है, जो रहेगा हम आमने सामने बात करेंगे, उसको साइड दिखा, ठीक वो बात नहीं करेगा, बात हम ही करेंगे, पर उसको गांव का इन्फॉर्मेशन इसलिए उसको ठीक ये करते हैं और हमारा भरोसा वाला नहीं, वो ठीक है। मेरे को लगा कि वो भी नहीं, नहीं वो ये एजेंट नहीं है। अच्छा, एजेंट ही है। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, पर वो उसके वो बात रहता है, जो काम जो देना है वो उसको ही देना, अपने किसी को भी दो, गाँव में किसी का भी काम रहता है उसके बाद, ठीक है, वो एजेंट नहीं है, आमने सामने बात होगी। अपनी ऐसा नहीं कि ये जानलेवा भ्रष्टाचार सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, बीएमसी का भी इसमें बड़ा रोल है। इस कहानी में सबसे ज्यादा ड्रामा बीएमसी का ही है, दिखाने के लिए वो एक्शन भी लेती है। पर वो दिन भर नहीं रहता, लेकिन वहाँ बाकी कोई टेंशन नहीं ना, जो कोई टेंशन ना, मैं वही बोला ना, सीनियर पीआई से लेके कलेक्टर से लेके हर कोई गांव में का कौन कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके प्रॉपर्टी में भी डिस्प्यूट होगा तो भी वो इन्फॉर्मेशन निकल के देगा। अवैध निर्माण को गिराने का ड्रामा भी करती है, लेकिन एक बार डिमोलिशन के बाद जब बीएमसी को उसका शेयर मिल गया तो फिर दोबारा बीएमसी के अधिकारी वापस नहीं आते। कॉन्ट्रैक्टर दो की जगह चार मंजिला इमारत बनाए या छह मंजिला, बीएमसी को कोई परवाह नहीं। उस इमारत के गिरने से चार लोग मरे या 40, बीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश त्रिवेदी, संवाददाता, टाइम्स नाउ, नवभारत। बीएमसी और इन कॉन्ट्रैक्टर्स की मिली भगत चलती रहती है और उसकी कीमत चुकाते हैं आप अपनी जिंदगी से। ऐसे कंस्ट्रक्शन का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और क्यों इस पर लगाम नहीं कसी जा रही है, ये आपको समझाएंगे और बात करेंगे राकेश से भी, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंबई में सरकारी तंत्र और बिल्डर माफिया की मिली भगत से वेटलैंड में इमारतों का निर्माण लगातार हो रहा है। आए दिन आपको इसकी खबरें मिलती होंगी कि कैसे एक और इमारत गिर गई और उसमें कई लोगों की मौत हो गई। पर आखिर इस इलाके में ये इमारतें बनती कैसे हैं, इनको इसकी परमिशन मिल कैसे जाती है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता।
इस सब का आप पर क्या असर होगा ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि किसे कहते हैं और इसका आखिर महत्व क्या है। नमी या दलदल वाले जमीनी क्षेत्र को आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहा जाता है। ये वो क्षेत्र होता है जो साल भर या तो आंशिक या पूरी रूप से भरा रहता है, पानी से भरा रहता है। वेटलैंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जल को प्रदूषण मुक्त बनाता है। अब हम पहले आपको ले जाते हैं टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता राकेश त्रिवेदी के पास। राकेश, बार बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर लोगों की जान जाती है। हमारे पास हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम भी जुड़ गए हैं। राम कदम जी, आपके पास आने से पहले एक सवाल मैं राकेश से करना चाहती हूँ। क्या ये मिली भगत अब इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है कि कोई भी इसका स्ट्रैंगल होल्ड तोड़ नहीं पा रहा? जी बिल्कुल पद्मजा, देखिए एज अ मीडिया पर्सन तो ये जो चेहरे हैं बीएमसी के, इन तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आम आदमी कैसे इन तक पहुंचे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ये इतने ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। दूसरी बात, इफ्तिकार शाह नाम के जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनको ये जानकारी आरटीआई में मिली है कि कैसे अकेले वर्सोवा इलाके में 200 इलीगल ऐसी ही बिल्डिंगों को बीएमसी ने सिर्फ नोटिस दिया और कुछ लोगों पर कॉस्मेटिक एक्शन किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुंबई में जो अलग अलग इलाके हैं, मालवणी, मढ़, बैंडगा, जुहू, कोलीवाड़ा, बैंडगा, खाग, यहाँ पर और दूसरे कितनी बिल्डिंगें होंगी। एक एक बिल्डिंग से जो बीएमसी का जो पूरा पैसा जो वसूला जाता है वो तकरीबन 30-40 लाख रुपए पूरे डिपार्टमेंट के लिए लिया जाता है। कलेक्टर ऑफिस को भी पैसा जाता है, लोकल पुलिस स्टेशन को भी पैसा जाता है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुंबई में ये जो पूरा घोटाला है ये सैकड़ों करोड़ों का है। और यही वजह है कि इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा था कि ये मामले का सुओ मोटो लेते हुए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शिवसेना जो बीएमसी में राज करती है, उन्होंने अपने सामना एडिटोरियल में लिखा था कि इसके लिए जो ज्यादा बरसात होती है वो जिम्मेदार है या जो इलीगल तरीके से रहते हैं वो लोग जिम्मेदार है। लेकिन उसका जवाब है ये स्टोरी हमारी जो बताती कि कैसे सिस्टम के अंदर के ही ये जो सरकारी बाबू हैं वो इस मलबे में होने वाली मौत के लिए जिम्मेदार हैं। और सिर्फ इसे केसड़ी के तौर पे देखिए, ये तीन लोग, जबकि मुंबई में जितने जो बीएमसी ऑफिसर्स हैं लगभग सभी जगहों पे ऐसी कहानी है जहां पर वार्ड ऑफिसर से लेकर के ये तमाम जो सरकारी बाबू हैं वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं। पद्मजा, राम कदम जी, कई सालों तक आप भी बीएमसी का हिस्सा थे, ऐसा कैसे हो सका है कि इतने दशकों से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता रहा, लोगों की जान जाती रही, ये इमारतें गिरती रहीं, पर फिर भी ये जो साठ गांठ है वो कायम रही? पद्मजा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सबसे आरंभ में टाइम्स नाउ नवभारत को धन्यवाद दूंगा कि ये चैनल शुरू होते ही इन्होंने मुंबई से जुड़ी हुई सबसे अहम खबर आज देश और दुनिया के सामने लाई है। मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ बता दूं कि कुछ दिन पूर्व जिस समय लॉकडाउन चल रहा था उस समय मैं तीन टर्म का विधायक हूं। मेरे विभाग में जो एन वार्ड आता है वहां पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे पास आया। मैंने उससे बड़ी स्पष्टता से अकेले में बात की। उसने कहा कि केवल मात्र दो वार्ड से 80 लाख रुपए से अधिक की राशि एक महीने की उसने महापालिका अधिकारियों को सौंपी। अब ये एन वार्ड है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल, उनके प्रति मुझे आदर सम्मान है, अच्छा काम करते हैं। पर यदि मुंबई जैसे विभाग में घाटकों पर के दो वार्डों से 80 लाख रुपया यदि बीएमसी के अफसर ले रहे हैं तो सवाल यहां पर यह आता है कि 80 लाख रुपए में साझेदार कौन कौन है, उन अफसरों को कितना जाता है, अफसरों के बाद नेताओं के पास कितना जाता है, इस बात की समीक्षा होना बड़ा आवश्यक है। और जो खबर राकेश और आपकी पूरे टीम ने जो सामने लाई है वाकई काबिले तारीफ है। तीन तीन मंजिल की, चार चार मंजिल की जो स्लम में डेवलपमेंट के काम है धड़ल्ले से दिन दहाड़े हो रहे। अफसर कहते हैं आप बनाएंगे कुछ नहीं, पैसे दीजिए हम कर लेंगे पूरा। अफसर ही आरटीआई एक्टिविस्ट को बोलते हैं कि यहां पर आप कंप्लेंट डालिए, फिर अफसर ही जाकर के सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि हमने आरटीआई एक्टिविस्ट को हमने संभाल लिया है, हमारा इतना उनका इतना। तो राम कदम जी, आपको फिर से वही सवाल पूछूंगी, आपको पता चला कि क्या क्या हो रहा है? आप खुद बीएमसी का हिस्सा थे, अगर आपकी नाक के नीचे ये सब चल रहा है, भले से ही ये किसी और राजनीतिक पार्टी को जा रहा हो पैसा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसकी हिस्सेदारी किसी राजनीतिक पार्टी की भी होगी, आपने उस वक्त क्या एक्शन लिया? पद्मजा जी,
मैं किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को दोष नहीं दे रहा हूँ, जैसे चावल में कंकर होते हैं उस प्रकार से कुछ लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और आप जिस सवाल को बड़ी जैसे हम कहते पुरजोर तरीके से पूछ रही है, उस सवाल का जवाब मैं दूं, हम बीएमसी का हिस्सा थे और बीएमसी में जो अधिकार के क्षेत्र है जहां पर निर्णय लिया जाता है वैसे कोई भी पोस्ट हमारे पास कभी भी अतीत में नहीं थी, इस बात को आप नहीं भूल सकते। अगर मेयर पद का पद हमारे पास नहीं था, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का पद हमारे पास नहीं था, जो महत्वपूर्ण पद है वे सारे शिवसेना नेताओं के पास थे। इसके लिए हम हमारे दायित्व से कभी भी हम पल्ला नहीं झाड़ेंगे। निश्चित तौर पे कुछ दायित्व हमारे पे भी आएगा, पर जो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार का मूल है, जो प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका यदि राजकीय उसकी इच्छा शक्ति हो तो ये सारी चीजों का निराकरण हो सकता है, उसके ऊपर जवाब मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। मैं पुनः एक बार कहूंगा कि आप ये म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास ये वीडियो जरूर पहुंचा है, ये बात आपकी आपकी को जरूर पहुंचा है कि घाटकोपर के एनवॉर्ड इलाके से केवल मात्र दो वार्डो से एक महीने की उगाई 80 लाख रुपए है जी। तो क्या पूरे मुंबई से 100 करोड़ रुपए के ऊपर की नहीं है? फिर ये 100 करोड़ में हिस्सा कौन है? वाजे की तरह जो सरकार में बैठे हुए शिवसेना के नेता है वे भी स्वयं है, कौन कौन है, इस बात को अपने आप में एक जांच का हिस्सा है। पर इसके वजह से जो बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं, 3-4 मंजिल बनाए उसके बाद वो स्ट्रक्चर गिरे, जिसने बनाया उसके भी घर के परिवार के लोग मरते हैं और जिसके ऊपर वो स्ट्रक्चर गिरेगा जो बेगुनाह है उनके भी परिवार के लोग अपनी जान खो देते हैं, ये कौन सा न्याय है? और ये दिन दहाड़े मुंबई जैसे शहर में जो हम विश्व की एक अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम व्यापार की हम राजधानी कहते हैं ऐसे शहर में हो रहा है, ये बहुत ही राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसमें संलिप्त है। पर ये सवाल पूछने से पहले राकेश से मैं आपको ये भी दिखा देना चाहती हूँ कि कैसे इस अतिक्रमण से आपकी जिंदगी प्रभावित होती है। खुद सोचिए, क्या ऐसा जीवन, ऐसे जीवन की आप कल्पना कर सकते हैं जिसमें पीने को शुद्ध जल ही ना हो? मुंबई में जिस रफ्तार से वेटलैंड पर इमारतों का निर्माण हो रहा है, वेटलैंड पर अवैध निर्माण का सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वो ये कि कमजोर इमारतें पहली बारिश में ही ढह जाती हैं। आपने बार बार सुना होगा हर साल, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हर साल हम ऐसी खबरें सुनते हैं, अभी हाल ही में ऐसा हुआ था और फिर से जिंदगी वैसे ही चलने लग जाती है। लोग कहते हैं यह है स्पिरिट ऑफ मुंबई, पर स्पिरिट ऑफ मुंबई के नीचे इस तरीके का करप्शन अब नहीं छुपाया जा सकता। आपके अपने अपनी जिंदगी खो देते हैं, मलबे में घायल हो जाते हैं सैकड़ों लोग, अपने हाथ पैर खो देते हैं और उनका जीवन और भी मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए आंकड़े की किस तरीके से साल दर साल ऐसी घटनाएं होती रही हैं। आप अगर साल 2013 से 2018 के वक्त का के बीच का समय देखें तो इन 5 सालों में 2,500 से ज्यादा इमारतें गिरी और 234 लोगों की मौत हो गई। साल 2013 में 531 इमारतें एक साल में गिर गई। उसके बाद साल 2017 देखिए, 570 के आसपास इमारतें गिरी जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई। और अच्छी बात है कि कम से कम 2018 में इतने लोगों की जान नहीं गई, पर सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ये साल 2013 में था जब 500 से ज्यादा इमारतें गिर गई। इसका राजनीतिक एंगल आखिर है क्या और कभी क्या कंप्लेंट इस तरीके की हुई है राकेश? कभी इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हुआ है? देखिए पद्मजा, मैं आपको इसकी
जी मैं आपको इसका मोडस भी बता दूं कि ये जो वेटलैंड होता है यहाँ पर सबसे पहले तो अंदर नीचे जो दलदल या पानी है इसलिए उसकी जो प्लिंथ होती है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होती, इसलिए ये तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो कमजोर होती हैं। इसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लॉन्ग टर्म में कब्जा किया जाता है। इस दलदल नुमा जो जगह है उस पर पहले मिट्टी डाली जाती है, कचरा डाला जाता है कुछ समय तक ताकि उसे रिक्लेम किया जा सके, और जब वो लैंड रिक्लेम हो जाती है तब वहां पर कुछ समय के लिए झुग्गी झोपड़ियां बनाई जाती हैं और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ करके वहां पर इमारतें खड़ी होती हैं। इसमें रहने वाले लोग आगे चल के वोट बैंक बनते हैं कुछ नेताओं के लिए, और बाद में उनको बाकायदा बिजली पानी वोटिंग वोटर्स कार्ड आधार कार्ड तमाम दस्तावेज बना करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें लीगलाइज भी कर दिया जाता है, और अगर इलीगल अगर कुछ मामलों में है भी तो वो मामले अदालतों में कई सालों तक चलते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि कई सारी जगहों पर जो लोकल कॉर्पोरेटर्स होते हैं वो अपनी आंख बंद रखने के लिए वहां पर ध्यान नहीं देने के लिए भी कुछ पैसे लेते हैं, और इनमें कुछ ऐसे भी लोगों के नाम सामने आते हैं जो पहले किसी जमाने में लोकल कॉर्पोरेटर थे, बाद में एमएलए बने और शायद बाद में मंत्री भी बन चुके हैं। तो ये पूरा इतना बड़ा नेक्सस है कि इसमें अगर आप शिकायत करें भी तो अब इस मामले में कुछ नहीं होने वाला, ना कोई कार्रवाई होने वाली। ऐसे में जरूरत है अब ये देखने की कि बीएमसी के जो इस वक्त कमिश्नर है इकबाल चहल, जिन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, मुंबई मॉडल की उनकी तारीफ हुई है, वो टाइम्स नाउ नवभारत के इस खुलासे के बाद ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसके लिए वो क्या नया अपना मॉडल प्लान लेकर के आते हैं, इस पर निगाहें टिकी होगी, हम वो भी फॉलोअप करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात निश्चित तौर पर है कि किस तरीके से ये, चाहे आप अदालतों में चले जाएं चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये इतना इंस्टीट्यूशनलाइज जिसे कर दिया गया है, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है कि ना ज्यादा कार्रवाई होती है। एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जब हमने मालवणी का इंसिडेंट देखा तब उसके पास पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की, लेकिन वो खानापूर्ति के लिए 3042 के तहत जो केस रजिस्टर हुआ उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ ये केस रजिस्टर किया गया, लेकिन जो सिविक अधिकारी जो होते हैं चाहे वो बीएमसी के हो, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस के हो, चाहे वो रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, उनके अधिकारियों के खिलाफ कभी भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी पुलिस और सिविक अथॉरिटीज की सांठगांठ जो है उसका नमूना इस स्टिंग ऑपरेशन में हमें दिखाई दिया पद्मजा। और यही सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिस्टम ये इतना ज्यादा जकड़ चुका है, ये दलदल इतना बड़ा है कि इसकी गहराई में आप जितना जाएंगे ये उतना ही गहरा आपको मिलेगा। रामकरण जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सिर्फ कोई सिस्टम को गाली देने का मकसद नहीं है, यहाँ पर लोग हैं जिनका चेहरा कैमरे पर कैद हुआ है, बीएमसी के ये अधिकारी हैं जो कि साफ तौर पर दिख रहे हैं, कह रहे हैं चिंता मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे फोन कर लेना, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? पद्मजा जी, एक सवाल मुंबई शहर के आम जनता के मन में और देश के जनता के मन में उठता है कि यदि मुंबई महानगर पालिका अच्छा काम करे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो शिवसेना के मुखिया है, प्रमुख है, वे कहेंगे कि ये उनका अपना खुद का जिसे हम क्रेडिट कहते हैं उनकी अपनी प्रशंसा करेंगे, वो शिवसेना दल कहेगा कि ये शिवसेना की उपलब्धि है। तो जब इस प्रकार की बातें पुख्ता सबूतों के साथ टाइम्स नाउ नवभारत ने सामने लाई है तो ये जो सारी दुर्दशा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी भी शिवसेना नेताओं को विगत 30 वर्षों से अधिक कार्यकाल से वे सत्ता में बैठे उनको लेनी होगी, पहला मुद्दा। दूसरा अहम पूर्ण बात मैं ये बताऊं कि राजनीतिक नेताओं के आशीर्वाद के बगैर खुले आम पे कोई अफसर इस तरह से धड़ल्ले से दिन दहाड़े पैसे मांग सकता है क्या? यह यदि मैं सवाल आपको निजी तौर पे पूछूं तो आपका भी जवाब होगा बिल्कुल नहीं, राजनीतिक नेताओं का। अब जो सत्ता पे बैठे, सत्ता पे शिवसेना के लोग बैठे, उनके आशीर्वाद के बगैर ये हो नहीं सकता। और अंतिम में बात यहां पर कह दूं कि सवाल ये नहीं है कि अफसर पैसे बना रहे, सवाल ये नहीं कि लोग 3 मंजिल 4 मंजिल की बिल्डिंगें बना रहे हैं स्लम में, सवाल ये उठता है इसके वजह से जो लोगों की जान जा रही है। जब चेंबूर में दुर्घटना घटी जी, हमने दुर्घटना में अधिकारी जो बनाने वाला था उसको हमने एफआईआर करके हमने बीएमसी ने पल्ला झाड़ दिया, और उन अफसरों का क्या जी, जिनके आंखों के सामने ये घटा है। तो मैं प्रार्थना करूंगा टाइम्स नाउ नवभारत से एक अच्छा चैनल लोगों के हितों के प्रति इसका आरंभ हुआ है। जो अफसर ये काम करवा रहे हैं, जो अफसर ये काम कर रहे हैं उनको तो आपने अपने टीवी पर देख लिया, पर जो नेता अपना आंख मूंदे बैठे हुए हैं उनके चेहरे भी सामने आने चाहिए। सिर्फ यहीं पर ये बात खत्म नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। राम कदम जी, राकेश त्रिवेदी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही, आपसे होगी कल इसी वक्त फिर से मुलाकात।